पहले तो डॉक्टर फूड पॉइजन कह रहे थे, लेकिन अब तो कुछ और ही कह रहे हैं। एक ड्रिप खत्म होती है तो दूसरी लग जाती है। वो पता नहीं लगा पा रहे दरअसल। एलर्जी का टेस्ट करने का फैसला किया है, देखते हैं रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। ये देखो मैं अपने शहजादे के लिए क्या लेकर आया हूँ। हमारा यूसुफ कभी हार नहीं मान सकता, जल्द अज जल्द ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शाम में मारवी और इरम आपी भी आएंगी मिलने। चॉकलेट केक बनाऊं तुम्हारे लिए, खा सकता है ना ये? अभी नहीं। सादत खाला और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा ट्राउजर लेके आए हैं। ब्लू कलर पसंद है ना तुम्हें? ये लो ब्लू कलर। अल्लाह, और वो नए जूते भी तो दिखाओ। बहुत खूबसूरत है ये, जब ठीक हो जाओगी तब पहनना। और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कहानी की किताब, तुम्हारी अम्मी पढ़कर सुनाएंगी। बहुत शुक्रिया, आप सबके आने का शुक्रिया। ये तुम्हारी फेवरेट है ना? मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं। हाँ, बच्चा थोड़ा आराम कर ले। गुलनास, तुम चाय पियोगी तो भिजवाएं? नहीं अभी नहीं। अच्छा ठीक है। ओ मेरे बेटे के लिए कितनी सारी चीजें आई हैं, देखो इसमें कितनी अच्छी कहानियां हैं। शुक्रान, तुमसे बात नहीं हो पाई, यकीन करो मैं जानबूझकर तुम्हें तकलीफ देना हरगिज नहीं चाहता। आप किसी को कभी तकलीफ नहीं दे सकते। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है बिलाल, कभी कभार खामोशी बेहतर होती है। तुम ठीक हो ना बेटा? अंदर आ जाऊं क्या? हेलो फैजा साहिबा, देव तुम भी आए हो मेरे बच्चे। बिलाल भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। गुलनाज खाला हमारे घर काम करती हैं। एक दूसरे को जानते हैं आप लोग? जी हाँ, यूनिवर्सिटी से। जल्दी ठीक हो जाओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बहुत अच्छा है, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे बच्चे। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, पहले से ठीक हो? अजीब इत्तेफाक है ना, अंदाजा नहीं था कि यूसुफ के बारे में बात कर रहे हो। मुझे भी काफी हैरानी हुई। तुम्हारे पास ट्रक नहीं था ना, इसीलिए लेकर आया हूँ मैं। बिलाल भाई आप यूसुफ के क्या लगते हैं? भाई, लेकिन आपकी तो एक बहन थी ना? वो सगी बहन है, लेकिन यूसुफ और मोहल्ले के सारे बच्चे भी मेरे भाई की तरह हैं। समझे कुछ? तो चलो चले यहाँ से। लेकिन अभी तो आए हैं। हम दोबारा आ जाएंगे। मैं फिर से आऊंगा। ख्याल रखो गुलनास, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना किसी झिझक के बता देना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आने के लिए बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फैजा साहब अपने भाई को लेकर आई थी, कितनी अच्छी लड़की है ना ये। तो यूसुफ के लिए खिलौना भी लाया है, पसंद आया ना? अरे अरे देखो तो, ये तो बहुत अच्छा है। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर दोस्तों के साथ खेलना आराम से। पेट में दर्द हो रहा है अम्मी। परेशान मत हो बेटा, ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ मुझे कहाँ दर्द हो रहा है? अच्छा यहाँ? नहीं यहाँ पर। बात सुनो जरा, तुम किस तरह की बेशर्म लड़की, बेशर्मों की तरह मुंह उठा के यहाँ भी चली आई। मुझे समझ में नहीं आता आपको मुझसे क्या मसला है, मेरे सामने से हट जाइए, जाना है मुझे। असल में तो तुम हट जाओ हम सबकी जिंदगियों से। आराम से बात कीजिए, आपको अंदाजा है क्या कह रही है? मेरी बेटी और बिलाल की मंगनी होने वाली है, तुम शैतान की तरह आकर बिलाल की अकल पे पर्दा डाल रही हो। छोड़ दो उसका पीछा। अम्मी, फैजा, अम्मी की तरफ से मैं माजरा चाहती हूँ, माफ कर देना।
जो कुछ पहले हुआ उसके लिए भी। साधिता पर चले यहाँ से, चले चले, मैं बोल रही हूँ चले। माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा और कुछ गलत भी नहीं किया है, यकीन करें। प्लीज बुरा मत मानिएगा, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इट्स ओके। बहुत अच्छा किया अम्मी आपने, बस यही करना बाकी था। समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं आपसे। शुक्रान, छोड़ दे उसे। शुक्रान, जाने, पुरसुकून रहे, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बोलने से पहले सोचती भी तो नहीं है आप, क्या करें। चले अंदर चलते हैं।